Now next type of storage class called as static storage class in C language. Till now we are discussing auto and register. As we know, there are four types of storage classes are available in C: auto, register, static and external. Now third type of storage class called as static storage class. First one, what is the default value for static variables? अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास के थ्रू डिफाइन किया जाए तो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होंगे जीरो. प्रीवियस केस में सारे के सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए थे गार्बेज वैल्यूज, लेकिन इस केस में इनिशियलाइजेशन किससे होगा? बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो. नेक्स्ट वन, इन पॉइंट्स को कवर करने से पहले पहले एग्जीक्यूशन डायग्राम शो करें. इन दैट केस सपोज दैट वी आर हैविंग सम सी प्रोग्राम वॉइड मैन. एज वी नो before execution executable instructions are available inside hard disk memory. Static int x, here we are declaring two variables x and y. x के केस में कोई वैल्यू अगर असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? जीरो. लेकिन y के केस में डिफॉल्ट वैल्यू मैंने मैन्युअली इनिशियलाइज किया है 10. Then we are displaying value of x, y. Printf इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू ऑल पॉइंट्स कवर करना पॉसिबल है. डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ x एंड y. इसे से एग्जाम्पल्स के थ्रू x में करेंगे. वेन एवर स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन साइड मेमोरी इन विच प्लेस. दिस वन इज अ सम स्टैक सॉरी हार्ड डिस्क मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और फाइल इन अवेलेबल इन साइड हार्ड डिस्क मेमोरी लाइक समथिंग ए डॉट सी. फाइनली कंपाइलेशन के बाद ये कोड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एग्जीक्यूटेबल कोड के फॉर्म में समथिंग ए डॉट ई एक्स फाइल आफ्टर लिंकिंग फेज. नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस क्या है? जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूशन केस में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? लोडिंग दिस कोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम मेमोरी. जैसे ही कोड हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड होगा लोडिंग टाइम इस प्रोसेस को नेम क्या देंगे? लोडिंग प्रोसेस. This process is known as loading. Loading is a process of loading required executable instructions from hard disk to RAM memory called as loading. जैसे ही कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा लोडिंग किसके लिए हो रहा है? ए डॉट ई एक्स फाइल. लोडिंग के जस्ट बाद एग्जीक्यूशन हमेशा भी स्टार्ट कहां से होता था? प्रीवियस केस में फ्रॉम मेन फंक्शन. लेकिन इस केस में मेन फंक्शन के भी एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स. स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया व्हेन एवर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम और एट द टाइम ऑफ लोडिंग और बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. इस स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म हो रहा? बिफोर एग्जीक्यूटिंग मेन फंक्शंस. इस फर्स्ट प्रोसेस क्या इस केस में? लोडिंग. जैसे ही मशीन कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है इमीडिएटली परफॉर्म क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन. लेकिन मेमोरी एलोकेशन किसके लिए? ओनली फॉर स्टैटिक वेरिएबल. सपोज दिस वन इज अ डेटा एरिया लाइक स्टैक एरिया. सिमिलरली दिस वन इज अ डेटा एरिया और वी कैन से डेटा सेगमेंट. डेटा सेगमेंट के रिस्पेक्ट में मीन्स मेन फंक्शंस के भी कॉल होने से जस्ट पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या परफॉर्म हुआ? एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. इस केस में एक्स वाई स्टैक में क्रिएट होंगे इनसाइड डेटा एरिया. एक्स के लिए कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया इसलिए एक्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या? जीरो. वाई के केस में मैनुअल वैल्यू सेंड किया जाए 10. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या रहेगा? कॉलिंग मेन फंक्शन. इन फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या रहा? मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल. सेकंड केस में परफॉर्म होगा कॉलिंग मेन फंक्शंस. मेन फंक्शन कॉल होगा मेन के केस में. सेकंड स्टेप, नाउ मेन इज लोडेड इनसाइड स्टैक. देन मेन फंक्शन कहां लोड हो जाएगा? इनसाइड स्टैक मेमोरी. एज वी नो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग कॉलिंग एनी फंक्शन विल बी लोडेड इनसाइड स्टैक मेमोरी. देन लोडिंग के जस्ट बाद जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका. देन सेकंड का थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली कंट्रोल स्विच होगा. कंट्रोल जंप इन द लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ. तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स वाई. फाइनली आउटपुट में प्रिंट क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्स वाई. करंटली मेमोरी के अंदर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 0 एंड 10. दैट्स वाई आउटपुट इज 0 एंड 10. इस पर्टिकुलर फिगर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है व्हेन एवर स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड हाउ मेनी टाइम्स इट इज क्रिएटेड. इसे सारे पॉइंट्स कवर करने बाय यूजिंग दिस थ्योरी. फर्स्ट वन, व्हाट इज द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स? स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बाय 0. सेकंड पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन विच प्लेस?
इनसाइड डेटा एरिया, सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया, थर्ड वन स्कोप, स्कोप रूल क्या था इनका, सेम एज प्रीवियस केसेस, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, प्रीवियस केसेस में स्टैटिक सॉरी ऑटो और रजिस्टर वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे ओनली एज अ लोकल स्कोप, वी कैन नॉट क्रिएट एज अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल्स लोकली भी क्रिएट करना पॉसिबल है, ग्लोबली भी क्रिएट करना पॉसिबल है, अगर स्टैटिक वेरिएबल लोकली डिफाइन किए देन इनका स्कोप क्या होगा, ओनली विद इन अ ब्लॉक, अगर स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबली क्रिएट किए देन थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस करना पॉसिबल, दैट्स व्हाई थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन अ ब्लॉक और प्रोग्राम, विद इन अ ब्लॉक मीन्स ओनली इन केस ऑफ लोकल डिक्लेरेशंस, अगर स्टैटिक वेरिएबल लोकली डिफाइन किए देन ओनली विद इन अ करंट ब्लॉक एक्सेस करना पॉसिबल है, अगर ग्लोबली डिफाइन किए देन थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस करना पॉसिबल, इनका स्कोप क्या हुआ, आइदर विद इन अ ब्लॉक और विद इन अ प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट लाइफ, लाइफ मीन्स मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एग्जिस्टेंस, एज वी नो स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ लोडिंग फेज और एट द टाइम ऑफ लोडिंग और बिफोर एग्जीक्यूशन, सिंस वी नो लोडिंग इज अ वन टाइम एक्टिविटी, किसी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए लोडिंग कितनी बार परफॉर्म होगा, ओनली वन टाइम, अनलोडिंग भी कितनी बार परफॉर्म होगा, ओनली वन टाइम, दैट्स वाई स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड ओनली वंस। अभी मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अगर स्टैटिक वेरिएबल किसी सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्रिएट करें, दैन इस फंक्शन को अगर आप 10 टाइम कॉल करो या 0 टाइम कॉल करो, स्टैटिक वेरिएबल्स का एलोकेशन कितनी बार परफॉर्म होगा, ओनली वन टाइम्स एट द टाइम ऑफ लोडिंग, मीन्स लोडिंग वन टाइम एक्टिविटी, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन भी कितनी बार परफॉर्म होगा, ओनली वन टाइम, डी एलोकेशन भी कितनी बार परफॉर्म होगा, ओनली वन टाइम, एलोकेशन किस प्लेस पर हो रहा है, इनसाइड डेटा एरिया एट द टाइम ऑफ लोडिंग, सेम एज डी एलोकेशन का परफॉर्म होगा एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ लोडिंग जस्ट बिफोर मेन फंक्शन और बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड एलोकेशन विल बी परफॉर्म एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट्स, दिस विल ऑलरेडी कंप्लीटेड, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड बाय वेरिएबल और डायनेमिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल एक्सप्रेशन, व्हाट डू मीन बाय दिस पॉइंट, सपोज दैट इन दैट केस हियर वी आर क्रिएटिंग वन मोर वेरिएबल्स इंट ए इक्वल्स टू 10, इस केस में ए का बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या रहेगा, ऑटो, नेक्स्ट में बी इक्वल्स टू ए, इस केस में ए को वैल्यू से इनिशियलाइज किया लेकिन बी को किससे इनिशियलाइज किया, वेरिएबल से, स्टिल इट इज वैलिड, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स के केसेस में स्टैटिक वेरिएबल्स को कभी भी वेरिएबल से या वेरिएबल एक्सप्रेशन से इनिशियलाइज करना पॉसिबल, अगर इस केस में राइट डाउन कर दें एक्स इक्वल्स टू ए और बी, इट इज इनवैलिड, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड बाय जीरो सॉरी कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड बाय वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल, मीन्स किसी ऐसे एक्सप्रेशन से भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल हो जिसके अंदर वेरिएबल्स फाउंड हो रहे हैं, लेकिन सिंपल एक्सप्रेशन और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के थ्रू इनिशियलाइज करना पॉसिबल, कॉन्स्टेंट मीन्स एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कॉन्स्टेंट्स, इट इज वैलिड 5 + 10 बिकॉज फर्स्ट ऑपरेंड भी क्या है कॉन्स्टेंट, 10 भी क्या है इसके इसमें कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के थ्रू इनिशियलाइज करना पॉसिबल, अगेन इसे एक्सप्रेशन अगर वेरिएबल पार्टिसिपेट होता है लाइक 5 + a अगेन इट विल बिकम्स इनवैलिड, स्टैटिक वेरिएबल्स को कभी वेरिएबल से इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं, रीजन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल में शो करेंगे, दिस वन ऑल अबाउट स्टैटिक वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर लोकल एज वेल एज ग्लोबल डिक्लेरेशन, स्टैटिक वेरिएबल्स लोकली भी क्रिएट करना पॉसिबल और ग्लोबली भी क्रिएट करना पॉसिबल है।